मैं जयशंकर पांडे अपने YouTube चैनल हेल्दी किडनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, मैं किडनी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। 14 जनवरी 2019 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी किडनी दी थी। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरा खाना पीना है, रहन सहन है, जो मेरे कार्य हैं, मैं उसी के विषय में आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। क्या होता है दोस्तों, हर पेशेंट की एक अलग डाइट होती है, हर पेशेंट की एक अलग मेडिसिन चलती है, हर पेशेंट का एक अलग ही होता है, लेकिन हर पेशेंट में एक चीज़ कॉमन होती है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और उस किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो होता है परहेज। और हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ परहेज बहुत इम्पोर्टेंट है, परहेज बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ और कहता हूँ, पानी के लिए पानी की मात्रा आपको शरीर में एकदम बराबर रखनी पड़ेगी। जितना आपको डॉक्टर साहब ने बोला है 3 लीटर पीना है, 4 लीटर पीना है या 5 लीटर, उतना पानी आपको पीना है दोस्तों। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ दोस्तों। तीसरी चीज़ है मेडिसिन। मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। रीज़न क्या है, अभी किसी को 1 महीना हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसका तो बहुत ज़्यादा ही परहेज होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आदमी कुछ तो खुद लापरवाह हो जाता है और कुछ उसका कुछ कार्य होगा जिसकी वजह से वो बाहर निकलना है, बाहर का खाना पीना, लेकिन वहाँ पे भी आपको थोड़ा 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 परहेज करना होगा। तीसरी चीज़ जो आपकी मेडिसिन के बारे में बताने आया था, मेडिसिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। रीज़न क्या है, जो हमारे शरीर में एक जो अंग हमारे डोनर ने हमें दिया है, एक किडनी हमारे शरीर में जो आई है, वो एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का इन द सेंस कहने का मतलब मेरा है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें किडनी दी है जो हमारे शरीर में फिट की गई है, और हमारा शरीर उसको रिजेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, पूरा 100% को अपना लगा देता है। लेकिन डॉक्टरों का जो कमाल है और ऊपर वाले की जो आशीर्वाद है, ये जो मानना पड़ेगा दोस्तों कि जो मेडिसिन हमें दी जाती है टेक्नोलिवियस ट्रांसप्लांट के बाद, जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती, कमज़ोर रखती है, और जो हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो हमारे शरीर में जो नया अंग प्रत्यारोपण किया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है, उसको हमारा शरीर रिजेक्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अब आपको इस बात का समझ में आ गया होगा कि मेडिसिन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 4 साल 5 साल के बाद अगर मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं तो वो फिर सेम उसी कंडीशन पे आते हैं जहाँ से उठ के गए थे डायलिसिस पे। तो दोस्तों आपको ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो डॉक्टर साहब ने जो आपको मेडिसिन दी है उसको आपको टाइम टू टाइम लेनी है। और मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। जो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई, 2-3 चीज़ें हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाता हूँ, आपको जागरूक करता हूँ, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करें जो लोगों ने गलती की है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी किडनी को एकदम स्वस्थ रख सकती है। आप ट्रांसप्लांट के बाद लॉन्ग लाइफ जिंदगी जी सकते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने लोगों से जानकारी इकट्ठी की है, जो लंबी टाइम तक जिंदगी किडनी सर्वाइव की है, उनका बस ये 3-4 चीज़ थी जो मैंने कॉमन सब में देखी गई है। लेकिन मेडिसिन सबकी थोड़ी थोड़ी अलग थी, किसी की डोज कुछ ज़्यादा थी, किसी की डोज कुछ कम थी, लेकिन बाकी सब में ये चीज़ कॉमन पाई गई थी। तो वो चीज़ आप भी फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया है। मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल, दूसरा पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, तीसरा परहेज। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और ऐड कर दूँ, एक कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद, देखो ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी है, सबको ये डॉक्टर बार बार बताया जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये जानकारी नहीं होती, वो मेरी वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका मैसेज आता है। कुछ लोगों का नेगेटिव मैसेज आता है कि यार ये क्या फालतू की चीज़ें बनाता है, क्या वीडियो बनाता है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूँ अगर 100 में से किसी को, एक भी आदमी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वो उसे फॉलो करता है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है।
और मैं हमेशा मैं अपनी वीडियो बताता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो दोस्तों काम की बात मैं आपको बता दूँगा कि मेडिसिन मैंने बता दिया आपको, पानी के बारे में बता दिया और परहेज के बारे में। चौथी चीज़ है आपको नमक की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत ही संतुलित लेनी है। ज़्यादा नमक भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। बाहर का खाना, तेल अधिक मात्रा में खाना, तला भुना खाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो इस सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। सही मात्रा में आपको भोजन लेनी है, सही मात्रा में आपको अपनी डाइट लेनी है। एक चीज़ और दोस्तों साथ में मैं जोड़ देता हूँ कि अभी किडनी वॉरियर एक ग्रुप में मैंने एक डाइटिशियन के जूम पे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत ही अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो प्रोटीन के बारे में उस आंसर था कि स्टार्टिंग में जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआत के 6-7 महीने आदमी को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उसकी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो शुरुआती दौर में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे 1-1.5 साल हो जाता है तो उसको प्रोटीन की मात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिए। जैसे वो कि बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लिया जाता है, तो उसी प्रकार से उसे धीरे 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 फाइबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, फल फ्रूट की मात्रा बढ़ानी चाहिए। हाँ, फल से याद आया, मैडम ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, जिसके ऊपर मोटा छिलका हो वो फल लेना चाहिए। अब जैसे सेब है, सेब को अच्छे से साफ करके धो के ऊपर से उसका छिलका हटा के उसको लेना चाहिए, क्योंकि सेब से इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा मैडम ने बताया था। देखो मुझे कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक लॉन्ग लाइफ हेल्थी रख सकती है। छोटी मोटी बीमारी इन्फेक्शन तो होता रहता है, उसमें उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव दिमाग में एनर्जी लानी है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा आप बीमार हो जाओगे, ये 100% मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आजमाई हुई मेरी बात है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करना दोस्तों। एक चीज़ और बता दूँ कि जो उन मैडम ने बताया था, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को हमेशा देता हूँ, मेरे को भी जो जानकारी मिलती है, मैं भी सारी चीज़ें अटेंड करता हूँ, सबकी वीडियो देखता हूँ, सब डॉक्टरों की बातें सुनता हूँ, कोई चीज का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी मैं इकट्ठा करके दे सकूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। मुझे पता है मैं एक बहुत बड़ी जंग जीत के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं, और आगे भी स्वस्थ जीवन जीता रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ लाखों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव माइंड के हैं, जिनसे मेरा संपर्क होता है, जिनसे मेरी बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम मस्त लेके बिंदास होके जीना है, जो डॉक्टर ने बोला है वही खाने का पीने का, एकदम परहेज करने का। ज़्यादा टेंशन लेगा तो दिमाग का प्रेशर बढ़ेगा, बीपी हाई होगा, फिर किडनी फेल हो जाएगा, फिर बेड पे आ जाएगा, फिर डायलिसिस चलेगा, समझा क्या? अभी क्या बॉम्बे की भाषा में समझा रहा हूँ, फिर अपनी यूपी वाली भाषा में सबको समझाऊंगा। ये उन नेगेटिव लोगों के लिए बोला गया है कि जो दूसरे लोगों को भड़काते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अरे भाई साहब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको अच्छी सलाह दो, उनको अगर उनके पेट में दर्द हो तो उनसे पॉजिटिव बात ही करो, ये नहीं कि यार पेट में दर्द होगा, इन्फेक्शन हो गया, जल्दी का डॉक्टर के पास, कुछ भी हो सकता है, किडनी फेल हो जाएगी, दिक्कत आएगी, भाई क्या बात बोलता है यार, उल्टा सीधा इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलो ना उसे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौन डराते हो? आधी बीमारी तो आप लोग यार डर के मारे आदमी को दूसरा आदमी दे देता है, बहुत गुस्सा आता है दोस्तों मुझे उन लोगों के ऊपर। अगर आप किसी को अच्छी बातें नहीं बोल सकते या सलाह नहीं दे सकते अच्छी, तो कम से कम उसे नेगेटिव तो मत बोलो ना, दूसरे वाले को खामा खा परेशान कर देते हैं, होना जो ना कुछ नहीं होता है, बस उसे परेशानी डाल देंगे। अरे डायलिसिस पे है, उससे जब भी बोलो भाई तेरा डायलिसिस हो रहा है, टाइम टू डायलिसिस करवाता रहते, कुछ नहीं होगा, ये कहते भाई डायलिसिस पे चल रहा है तो जिंदा नहीं रहेगा, क्या मतलब है वो जिंदा नहीं रहेगा? तुम भगवान हो क्या? तुमने उसकी कुंडली देखी है क्या, वो कब तक जिंदा रहेगा? जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, जब तक उसने हमें सांस दिए उतनी सांस हम जिंदा रहेंगे, उतनी सांस हमारी चलेगी, उसके आगे एक सेकंड हमारी सांस आगे पीछे नहीं हो सकती, चाहे तुम्हारा किडनी फेल हुआ हो या नहीं हुआ, पूरा शरीर स्वस्थ को ना हो, एक्सीडेंट होगा झटके में खत्म, मान भी ट्रांसप्लांट हुआ है
परहेज की बात है, इसे परहेज करो, लॉन्ग लाइफ जिंदा रह सकता है। दूसरे को नेगेटिव बातें मत दो ज़्यादा दोस्तों। बस आप लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने काम पूरे करते रहो टाइम टू टाइम। ट्रांसप्लांट के शुरुआती दिनों में थोड़ा परहेज करना, बाद में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, 11:10 हो चुके हैं, क्योंकि यही समय मिला है मुझे। छोटी सी दुकानदारी स्टार्ट की है ट्रांसप्लांट के बाद, नौकरी तो कोई देता नहीं है, 4-3 महीने निकाल देते हैं कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कुछ हो जाएगा तो कंपनी को देना पड़ जाएगा। लेकिन यार कुछ ना कुछ करके मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपना कुछ कार्य स्टार्ट कर लिया। एक महाशय मिले थे मुझे ग्रुप में, वो कहते हैं कि फालतू की एडवाइस देता है, ये देता है, वो देता है। महाशय जी यूट्यूब से मेरी कुछ इनकम हो जाएगी तो मंथली मेरी दवाई चल जाएगी, मेरा टेस्ट हो जाएगा रहेगा, इसके माध्यम से मैं 4 लोगों से मिलता हूँ, 4 बातें होती हैं, कम से कम माइंड का जो भी टेंशन होती है दूर तो हो जाती है आप लोगों के साथ शेयर करके। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो पूरी देखें, कुछ गलत लगे तो पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, उस चीज़ को मैं उसको इग्नोर कर, उस चीज़ को मैं अपने आगे वाली वीडियो में उस चीज़ को मैं डालने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि आप सीधा मुँह पर बोल देते हो, डायरेक्टली उल्टा सीधा बंदे के सामने क्या आर्ट फैलता है। यूट्यूब के माध्यम से दुनिया पैसा कमाना चाहती है, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ भैया, मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं मेरे, कोई मेरा पेरेंट्स तो है नहीं कि जो मेरे घर फैमिली वाले इतना पैसा छोड़ के गए हैं कि मैं आराम से अपना जीवन बिता लूँ। डेली कमाना है, डेली खाना है, उसमें दुनिया भर का खर्चा है, आप सबको पता ही है। बस दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बस क्षमा करना भाई बंधु, अगर किसी को मेरी वाणी से कोई ठेस पहुँची हो और इस वीडियो के माध्यम से कुछ हानि हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ आपकी तरह, मेरे से भी गलती हो सकती है दोस्तों। बस प्लीज़ आप मुझे फॉरगिव मी, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षमा करना, संस्कृत में क्या कहते हैं पता नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना पड़ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और मस्ती में बोलना हर हर महादेव।